अटेंशन, दूसरे तुम पर ध्यान दे, ये एक साइकोलॉजिकल नीड है, जिसको हम कहें एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। इसे समझना जरूरी है, लोग इतना अटेंशन क्यों चाहते हैं, वो क्यों चाहते हैं लोग उन पर ध्यान दें, हर कोई स्पेशल क्यों बनना चाहता है। भीतर कुछ रिक्तता है, एक खालीपन है। तुमने अभी तक अपने को नहीं जाना है, तुम खुद को केवल दूसरों की पहचान से जानते हो, तुम अपने आप को दूसरे के माध्यम से जानते हो। तुम्हारा खुद का जानना सीधा नहीं है, परोक्ष है। यदि कोई कहता है तुम अच्छे हो तो तुम महसूस करते हो तुम अच्छे हो, यदि कोई कहता है तुम अच्छे नहीं हो तो तुम बहुत अधिक निराश हो जाते हो, तुम कंक्लूजन पर आ जाते हो इसका मतलब मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। यदि कोई कहता है तुम सुंदर हो तो तुम खुश हो जाते हो, यदि कोई कहता है तुम कुरूप हो तो तुम दुखी हो जाते हो। तुमने अपने को नहीं जाना, तुम अपने को नहीं जानते, तुम केवल दूसरे की ओपिनियन की परवाह करते हो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, और ये ओपिनियन तुम इकट्ठा करते जाते हो और इन्हीं के बेसिस पर तुम डिसाइड कर लेते हो कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो। तुम्हारे पास अपने अस्तित्व की कोई पहचान सीधी तत्काल नहीं है, इसलिए तुम उधार के अस्तित्व को इकट्ठा करते हो, इसलिए तुम दूसरे का ध्यान चाहते हो। और जब लोग तुम पर ध्यान देते हैं तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हें प्यार मिल रहा है, क्योंकि प्यार में हम एक दूसरे पर ध्यान देते हैं। तुम्हारी जिंदगी से प्यार लुप्त हो गया है, तुमने उसे मिस कर दिया है, इसलिए तुम दूसरों का ध्यान चाहते हो। दूसरा जब तुम्हें ध्यान देता है, तुम्हें लगता है तुम्हें प्रेम मिल रहा है। बहुत कम लोगों ने प्रेम को प्राप्त किया है, क्योंकि प्रेम ईश्वर है। लाखों लोग बिना प्रेम के जीते हैं, क्योंकि लाखों लोग बिना ईश्वर के जीते हैं। प्यार मिस हो गया है, उस खालीपन की जगह कैसे भरी जाए। आसान विकल्प है लोगों का ध्यान प्राप्त करना, वह तुम्हें एक धोखे में रखेगा कि तुम्हें कोई प्यार करता है। बुद्ध शुद्ध प्रेम है, उन्होंने अस्तित्व से प्यार किया है, अस्तित्व ने उनसे प्यार किया है। यही सन्नदी है जब तुम संपूर्ण के साथ एक ऑर्गेस्मिक कनेक्शन में होते हो। उन्होंने संपूर्ण ऑर्गेस्म को जाना है, ऑर्गेस्म जो शरीर का नहीं और ना ही मन का है, बल्कि संपूर्णता का है, आंशिक नहीं है। उन्होंने उस आनंद को जाना है। अब किसी से भी कोई ध्यान मांगने की आवश्यकता नहीं है, अपने भीतर की उस ऑर्गेस्मिक स्टेट को जीना है, फिर तुम्हें किसी के ध्यान की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तुम एक शक्ति के पुंज हो जाओगे, जहां बहुत ही सहजता से पूरा अस्तित्व तुम्हारी तरफ बहेगा। पहली बार तुम सही मानों में सेंटर ऑफ अटेंशन और अट्रैक्शन बन जाओगे। तो नकली अटेंशन से बचना और असली होने में लगना। प्रणाम।